अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आज हम एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक का नाम है कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस फर्स्ट चैप्टर में इतना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है कि इसमें बोल सकते हैं कि लॉन्ग टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कंबस्टन है क्या, कंबस्टन क्या होती है। ये जो कंबस्टन है इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ जलने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कि वो कंबस्टन है। जैसे आप बोलते हैं कि लकड़ी पन जो है वो जलती है, आग आग जलती है उसके अंदर, वो कंबस्टन। अब हम बात करते हैं कि कंबस्टन स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर कंबस्टन की जाए तो उससे हम कैसे पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उर्दू में बोलेंगे नामियाती मुरकबात। और कंबस्टन करते वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या कभी कभी नाइट्रोजन भी हो, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं, जैसे साल्ट है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये इनऑर्गेनिक है। कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन जो है वो बेसिक कंपोनेंट हैं कंपाउंड्स की फॉर्मेशन का। हम कंबस्टन एनालिसिस किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात थी इस चैप्टर की, सो ये जो है इसको आप याद रखिएगा। अब हम ये करते हैं कि इसका एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है कि वी कैन यूज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द कंबस्टन। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके हम उसका कंबस्टन एनालिसिस कर सकते हैं। और इस दौरान जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो मिलेंगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो वो कार्बन हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ जो कि बर्निंग का वजह बन रही है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो हम बोलेंगे, जैसे आपके सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ भी है उसमें कंबस्टन करके आपको दिखाइए। आगे चलते हैं जी। वी कैन फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय कंबस्टन एनालिसिस। तो ये हमने बात पहले भी डिस्कस कर ली है, सो दोबारा से ये बात होगी। अब हम उसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो कुछ जो डायग्राम आपको दिखाई जा रही है उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कंबस्टन एनालिसिस के पूरे डिवाइस की। तो सबसे पहले जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, वो हम इसके पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं जी, कि इस पूरे सेटअप के अंदर जो पार्ट्स हैं वो किस तरह के हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनलेट जगह बनी हुई है जहाँ से हम कोई भी गैस या कोई भी कंपाउंड जो है बर्निंग के लिए एंटर करेंगे। उसके बाद है कंबस्टन ट्यूब होगी, कंबस्टन ट्यूब के बाद एक फर्नेस होगी जिसके अंदर जलने का अमल होगा, और फिर दो एब्जॉर्बर्स होंगे, चूंकि मैंने आपको बताया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे तो वो एब्जॉर्बर्स होंगे, और एंड पे जो मटेरियल बच जाएगा उस पे एनालिसिस के 4 स्टेप जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत तफसील के साथ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे उनको किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये जो ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर हो रही है, सैंपल जल रहा है फर्नेस के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप देखें तो एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए एक चैम्बर दिखाया गया है, एक खाना दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन कार्बन वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ उसमें हम डालेंगे उसका नाम है मैग्नीशियम परक्लोरेट, एक कंपाउंड है जो कि वाटर एब्जॉर्बर है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। MgCl4 ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को
एब्जॉर्ब करने के लिए हम उधर लगाते हैं 50% KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं जी एग्जांपल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो रूटीनली एनालाइज्ड किए जाते हैं कंबस्शन के जरिए। तो नेक्स्ट पिक्चर के अंदर हमने देखा कि आपके पास का एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मीथेन गैस जो है वो फाइंड किया जा रहा है थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। सो आप देखें सामने आपके कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस किया जा रहा है और उसको फाइंड भी किया जा रहा है। लास्ट पे आप आते हैं, अब तो लास्ट पे आपके पास एक और कंपाउंड की एग्जांपल दे के हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला इसी मेथड से फाइंड करेंगे। आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले हम परसेंटेजेस फाइंड करेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला के सारे स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच।